मैं इस वक्त मौजूद हूँ IIT ISM धनबाद और आज हमारे साथ बात करने के लिए है जुड़े हैं अतुल। तो आइए हम अतुल से ही सीधा ही जानते हैं कि जो समय सीमा के रहते आपने जो पेमेंट करना था IIT ISM को वो ना कर पाने के कारण इनको IIT में दाखिला नहीं मिल पाया था। फिर इन्होंने उच्च न्यायालय का सहारा लिया और उच्च न्यायालय के थ्रू से इनका एडमिशन IIT ISM में हो चुका है। फिलहाल कल अतुल IIT धनबाद पहुंच चुके हैं, तो आइए हम सीधा अतुल से ही जानते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए IIT में पहुंचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आपका एडमिशन भी नहीं हो रहा था तो आपने उच्च न्यायालय का सहारा लिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, जब एडमिशन नहीं हो, पहले तो जब 24 तारीख को फीस पे नहीं हुई थी तो सीट कैंसिल हो गई, उसके कारण जो घर में था दुख का माहौल भी छा गया था कि अब बच्चे की सीट कैंसिल हो गई है। तो फिर हमने उसका सुप्रीम कोर्ट के में पता चला कि जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला हुआ था कि प्रिंस जयबीर सिंह के केस में उसको इसी तरह से यही सिचुएशंस थी और उसको सीट वापस मिल गई थी, तो हमने उसी राह पे चले और पहले झारखंड हाई कोर्ट गए, हम NCSC भी गए थे, फिर झारखंड हाई कोर्ट गए और फिर मद्रास हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ कहीं से हमें रिलीफ नहीं मिला, तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो जब पहली हियरिंग 24 सितंबर को थी और उसमें जो CJI सर है उनके वजह से उनसे आश्वासन मिला था कि हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि इस बच्चे का भविष्य बर्बाद ना जाए, और इसलिए अब फिर नेक्स्ट हियरिंग मंडे को हुई 30 सितंबर को। अब फिर जब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने फैसला सुनाया कि जो बच्चे का एडमिशन इसलिए रुक गया क्योंकि उसने फीस पे नहीं करी और इस वजह से इसका भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए इस IIT धनबाद को इसको एडमिशन देना चाहिए। आप आए कब IIT धनबाद आए कब? मैं IIT धनबाद कल 3 तारीख को आया था। कल आप IIT धनबाद पहुँचे हो जी, तो क्या इससे पहले आप कभी धनबाद आ चुके हो? इससे पहले मैं झारखंड हाई कोर्ट गया था रांची में, लेकिन धनबाद आपका फर्स्ट टाइम हुआ? मतलब फर्स्ट टाइम। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या बताना चाहते हैं जो IIT का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि IIT एक ऐसा एग्जाम है जिसको निकालने के लिए अच्छे अच्छे पसीने छूट जाते हैं, तो आप मतलब ऐसे बताइए कि जो आपको देख के सीख सके कि IIT में कितना घंटा पढ़ा जाए। जी, जो हमारा वो था इंस्टीट्यूट उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी और जो फैकल्टीज थी बहुत अच्छी थी और जो हमारे सीनियर्स थे वे भी गाइड करते थे और जो हम सारे 100 के 100 बच्चे ग्रुप स्टडी करते थे, तो ग्रुप स्टडी से बहुत फ़ायदा मिलता है। टोटल कितने घंटे पढ़ते थे? जी, टोटल 17 से 18 घंटे। 17 से 18 घंटे। इसमें आपका पेरेंट का घर वाला का सहयोग किस प्रकार रहा? जी, पूरा सहयोग घर वालों का ही रहा, क्योंकि अगर वे ना होते तो हम ना इंस्टीट्यूट में जा पाते और ना ही कोचिंग कर पाते, ना ही IIT आ पाते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि अतुल का IIT ISM में एडमिशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड का फैसला सुनकर आप मतलब अपने खुशी को किस प्रकार जाहिर कर सकते हैं? सबसे पहले तो CJI चंद्रचूड जी का बहुत आभार, उन्होंने संविधान की उन धाराओं को इस्तेमाल किया जो एक विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल होती है, धारा 142, और उनका इस्तेमाल करते हुए एक जो होनहार छात्र है उसका भविष्य अंधकार में जाने से बचाया, और उन्होंने इतना बड़ा हमें जो है हमें और बच्चे को योगदान दिया है, हमारे जिंदगी वापस लौट आई है, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मैं UP मुजफ्फरनगर में अपना खतौली क्षेत्र में टिटोड़ा गांव पड़ता है। टिटोड़ा गांव से रहने वाले हैं ना, और परिवार में खुशी का माहौल बहुत अधिक है, इसे शब्द से बयान नहीं कर सकते। बहुत अच्छा डिसीजन रहा CJI सर का, उन्होंने ऐसा किया ताकि एक बच्चे को उसके शिक्षा से वंचित ना रखा जाए मात्र पैसे के। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने अतुल को और अतुल के जो पापा हैं आप उनसे भी सुना, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है CJI चंद्रचूड के फैसले से इनके पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल था, ताकि क्योंकि उनका जो फैसला था उनके फैसले के द्वारा IIT ISM में अतुल का एडमिशन हो गया।